अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान दे चैनल तो मैं हाँ शफीक शुजात। नाजरीन आज साढ़े नाल हुजरा शाह मुकीम दे कौंसलर मोहतरम गुलाम हैदर कम्याना साहब मौजूद ने। कल एक हुजरा शाह मुकीम विच वाकया पेश आया, साढ़े जिहड़े MNA ने मोहतरम राव अजमल साहब वो इत्थे एक तकरीब विच शरीक होए, वो खिताब कर रहे सन ते मियाँ गुलाम हैदर कम्याना साहब ने खड़े होकर मुतालबा किया कि साढ़े ये जिहड़े वादे किए सन तुसीं पूरे नहीं किए। वो एक वीडियो बनी तो फैल गई। असी वैसे भी अजकल जिहड़े हुजरा शाह मुकीम के कौंसलर्स ने उन्हां दे इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो असी सोचा क्यों ना मियाँ साहब का इस बहाने इन्हों का जिहड़ा गिला शिकवा है वह भी सुन लाँगे, तो नाले इन्हां दे बहसियत कौंसलर असी इन्हां नाल गलबात कर लाँगे। तो असी आइए गलबात करने मोहतरम गुलाम हैदर कम्याना साहब नाल। इन्हां दी गलबात यकीनन साढ़े नाजरीन चंगी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम जी। मियाँ साहब बेहद खुशी हुई, लगता है भी तुसीं ज़्यादा ही कोई गुस्सा रखते हो अंदर, गुस्से वाली तबीयत है तुहाडी, घर भी लड़ पैंदे हो? नहीं सर, गुस्से वाली तबीयत नहीं है जी साड़ी, अलहमदुलिल्लाह सारे नाल प्यार मुहब्बत नाल रहीदा है। लेकिन अगर साडे बजुर्गों नाल या साडे किसी भी वड्डे बजुर्ग नाल कोई मजाक किया जाएगा या उनके नाल कोई शुगरखोरी वाला काम किया जाएगा या उन्होंने डीग्रेड किया जाएगा, साढ़े को बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वह मेरे महल्ले का हो चाहे वह साढ़े शहर का हो। अच्छा, असं चाहवे कि साढ़े नाजरीन पता लगे थोड़े बुजुर्गों की ऐसा उन्होंने की गल की गई जी तुम चंकी नहीं लगी। सर अज तो 6 महीने पहले वाटर सप्लाई का उन्होंने मामला से, वाटर सप्लाई के पानी तो बहुत तंग सन साढ़ा, इतने हुजरे का पानी जोड़ा ना थले बोर वाला वो खराब है, वाटर सप्लाई का पानी उस दो गलियां नहीं पहुँचता सी। 100 फुट पैंप का मुतालबा किया गया सी, राव अजमल साहब ने भी 2-3 दफा होके किया जी थोड़ा 100 फुट पैंप पवा दिता जाता है। उस तो बाद राव साध साहब आए ने उन्होंने घर भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के घर, उन्होंने उत्थे उन्होंने अच्छी तरह अटेंड किया, बिठाया अपने कोल, चाय पानी पीती, उन्होंने उन्होंने फुल इतमाद लैके कहा कि मैं नासिर शद्दर साहब के जिम्मे लगा दिता है, बुरा जहा लिया से पैंप पे ने, तो उतो जी ये पैंप कलवा दिते जाते हैं। नासर चद्दर ने 2-3 दिन उन्होंने आलमटोल रख्या, उन्हें फिर रबता किया, उन्होंने बुरज से बुलाया गया, उतो फिर उन्होंने खाली हाथ मोड़िया गया, म्यूनसीपल कमेटी हो गया, कमेटी वाले ने उन्होंने वापस मोड़ दिता, अरफान नवीर गौरी साहब को गए उन्होंने उन्होंने खाली वापस मोड़ दिता, उस तो बाद फिर वो बुरज से गए, बुरज तो फिर खाली वापस आए। क्या एक सफेद दाढ़ी वाला 60 साल बुजुर्ग उनके नाल किया जाए अच्छा काम है? असी वोट काम के बारे देते हैं, असी अपने नुमाइंदे चुनी देने, अगर साढ़े नुमाइंदे साढ़े नाल गलत करनगे उतों फिर बंदे नूं जज्बाती भी होंदा पैंदा है ते गुस्सा भी आंदा है। मियां साहब ये जहर है अपने सारे हुजरे दे कई काम ने जिहड़े होण वाले ने, इकल्ला तुहाडा मसला नहीं, लेकिन यह है कि तुसीं खुद राबता कीता सी? सर मैं आप भी राबता कीता है, राव साध साहब नाल भी कीता है राबता, क्योंकि वह कहिंदे सी कि फंड लगेगा म्यूनसीपल कमेटी का, म्यूनसीपल कमेटी वाले जांदे सी वह कहिंदे सी जी सानूं DCO साहब या AC साहब अप्रूवल देवन, साड़िया यह जड़िया गलियां बनिया ने, यह मेरे वाली गली भी बनी है, यह सहीदा जुगनू मोहसिन करमानी साहबा ने बनवाई है, उन्होंने यह 5 साल हो गए ने आए नूं, लेकिन असं यह नहीं कहते कि उन्होंने 100% कर दिता है, लेकिन उन्होंने को जिन्ना को होया उन्होंने किया है। राव साहब ने अपने 5 साल हुजरा शाह मुकीम की कोई कारकर्दगी दिखा देन जी उन्हें की हो, आखिर MNA से उन्होंने चाहिए थी कि साढ़े कुछ ना कुछ तो इसको हल करते काम। मियाँ साहब तुम खुद उन्होंने सपोर्ट की, जाहिर है तुम उन्होंने टुरे भी जी, लेकिन तुम ये जी गलबात जरा रौला भरे बाजार च पाया, बड़ी भरी तकरीब च पाया, ये उन्होंने कोल बह के भी कर सकते थे? सर बह के कोल कर सब अच्छा की रिपोर्ट होंगे ही, नाल उन्होंने आवारी होंगे ने, वो बगलों में ले लेंगे ने, वो फिर की कहें कि अखा अखा का हजा होंगे है, लेकिन जिसले साडे बुजुर्गों नाल इस तरह की गई वो साढ़े को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन मियाँ साहब हर लड़ाई का हल तो फिर सुलह ही निकलता है, तो असी तवक्को रखने हैं कि इंशाल्लाह तुहाडे काम भी होवनगे, सुलह भी दोबारा हो जाएगी। सर साडी उन्होंने कोई और नाराजगी नहीं है, असी नून लीग दे हैं, नून लीग च हैगे हैं, लेकिन नुमाइंदे असी आवाम दे हैं, जे अगर साडे काम नहीं होवनगे असी पार्टी नूं नहीं वेखांगे कि कीड़ी भी है, असी सिर्फ ये चाहते हैं कि साडा जो असी वोट दिता है सानूं उहदा वर्क चाहिए। सही। अच्छा बहैसियत कौंसलर तुसी आपदे वार्ड विच जिहड़े काम चाहते सी सारे हो चुके ने? नहीं सर, इहदे विच वाटर सप्लाई दे 2 गलियां रहिंदियां ने पैंप पाउण वालियां, डाफ टैल दियां रहिंदियां ने, तकरीबन यह आबादी फतेह मुहम्मद दे विच यह एक गली सिर्फ लगी है जिहड़ी जुगनू मोहसिन करमानी MPA ने दित्ती है, उन्हें कहा कि मेरे कोल बेटा फंड ही इन्ना सारिआं नूं मैं वंड के दे रही हाँ। सही। अच्छा मियाँ साहब मुस्तकबिल विच भी तुहाडे इरादे ने बहैसियत कौंसलर इलैक्शन लड़न दे? नहीं सर,
मेरा सियासत दे विच इलेक्शन लड़न दा कोई मोड नहीं है, ना ही मैं लड़ना चाहना। लेकिन इस तो पहले तो जाहिर तुसी इलेक्शन लड़े जीते भी। नहीं सर, मैं ना मार्केट कमेटी दा मेंबर चुनिया गया सी। अच्छा, काउंसलर नहीं सी तुसी? नहीं, मैं काउंसलर नहीं सी। ठीक हो गया, सानू दस्सिया गया सी भी काउंसलर भी नहीं, लेकिन तुसी मार्केट कमेटी दा मेंबर रहे। मार्केट कमेटी दा मेंबर रहा जी। अच्छा, नाजरीन स्टार्ट ते मैं तुहानू दस्सिया सी भी काउंसलर ने, मैनू दस्सिया गया सी काउंसलर भी रह चुके ने, लिहाजा गलत फहमी वास्ते मैं माजरत चाहना वा, मार्केट कमेटी दे मेंबर ने। अच्छा मियाँ साहब, इलेक्शन लड़न दा कोई इरादा नहीं? नहीं। तो जिस तरह माशाल्लाह तुसीं बोल लेंदे हो, जिस तरह बहादुर हो, जिस तरह गल कर लेंदे हो, तुहाडे रंगे बंदे नूं अगे आना चाहिए, काउंसलरशिप दा इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि लोगों के जिहड़े काम ने हो सकन। सर अगर काउंसलर दे इलेक्शन लड़े जावन, इलेक्शन विन भी हो जाते हैं, सारे मामलात हो जाते हैं, लेकिन जिहड़ा बंदा इलेक्शन लड़ के मैंबर बन जाता है ना, वह दूसरे लोगों के मुतहत हो जाता है, उन्होंने कुछ मजबूरियां इस तरह दियां बन जांदियां ने, वो आवाम अगे भी जिहड़ा झूठ बोलता है, अपने जिहड़े वड्डे नुमाइंदे हुंदे ने उन्हां अगे भी झूठ बोलता है, उहदी इक झूठ तों अलावा जिंदगी नहीं रह जांदी। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ 100% ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। अच्छा हुण असीं चाहवांगे कोई दिल दी तुसीं होर गल करना चाहते हो साडे चैनल दे थ्रू, राव साहब तक पहुँचाना चाहते हो, दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हो, तो साडा चैनल हाजिर है। सर मैं गल यही सिर्फ करना चाहना कि साडे हुजरे दे काम होने चाहिए ने, कोई भी नुमाइंदा होवे ओह राव अजमल होवे, ओह जुगनू मोहसिन करमानी होवे, ओह औरंगजेब जट होवे, ओह चाहे कोई भी रजा गलानी होवे, सानू ये पहले तो नंबर पर अपना नुमाइंदा है जिहड़ा वो इस तरह का चुनना चाहिए कि जिन्हें नाल उहदे हवारी ना आवन, क्योंकि हर बंदे नू गाइड जिहड़ी करदे ने आवारी करदे हुंदे ने, वो उन्होंने गलत गाइडलाइन करदे ने कि नहीं जी यह तो बंदा अपनी पार्टी का नहीं है, यह फलाना है, यह फलाना है। जिस टाइम कोई भी MP MLA बन जाता है उन्होंने सारे नू बराबर नज़र देखना चाहिए, तो हर महल्ले के जो उन्होंने हक ने उन्होंने देने चाहिए ने, सारे दोस्तों मैं यही कहांगा। नाजरीन तुसीं मियाँ गुलाम हैदर कमियाना साहब जी गलबात सुनी, कल असी जलसे दे विच इहनां दा रवैया वेख्या, वीडियो वेख के सानू महसूस होया कि यह बड़े गुस्से वाले ने, लेकिन इन्हां नाल बज़ाते खुद मिल के सानू यह महसूस होया कि बड़े खुश इखलाक ने, नरम दिल ने और बड़े पुरतपाक तरीके नाल साडे नाल मिले ने, इह समझना वक्ती तौर ते जज्बाती होए ने, मैं समझना वा कि इन्हां दे जे जज्बात पाने इन्हां दा काम होना चाहिए, इन्हां दे हल्के दा काम जायज़ इन्हां दा मसला है जिहड़ा होना चाहिए और साडे नुमाइंदियां नूं करना भी चाहिए। मोहतरम राव अजमल साहब भी जिहड़े ने खुश इखलाक ने, उन्होंने यकीनन वक्ती तौर पर उन्होंने गल बुरी लगी होएगी, इंशाल्लाह जदों दोबारा राबता होएगा इन्हां दे आपस च फहमो तफहीम हो जाएगी और साडे हुजरा शाह मुकीम दे काम होणगे। इन्हां दा मेन मकसद भी है कि साडे शहर दे काम होने चाहिए ने, चाहे कोई भी पार्टी करे काम होने चाहिए ने ताकि लोगों को फायदा पहुँचे, रिलीफ मिले, और मैं जाती तौर पर समझना वा कि इह जिहे नौजवान जिहड़े ने इन्हां नूं कम अज़ कम जिहड़े मुकामी सतह ते काउंसलरशिप ते इलैक्शन ने वो लड़ने चाहिए ने ताकि साडी आवाम दी हल्के दी आवाज़ जिहड़ी है उतली सतह तक पहुँचाण। बाकी साढ़े नुमाइंदे जाते हैं और आवाज़ नहीं पहुँचाते, जे पहुँचाते हैं तो हल नहीं होंगे, यकीनन इन्होंने जी आवाज़ चुकी है, इन्हों का मसला भी मैनू यकीन है इंशाल्लाह राव साहब हल भी करेंगे और इंशाल्लाह इन्हों को या इन्होंने बुलाएंगे या इन्हों को दोबारा आएंगे और ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे, दोबारा इंशाल्लाह उस तरह रवनगे जिस तरह पहले सन। ते नाज़रीन तुहानू अज मियाँ गुलाम हैदर कमियाना साहब की गुफ्तगू कैसी लगी? स्टार्ट ते असीं इहनां दा तारुफ करवाया सी बहैसियत काउंसलर, दरअसल सानू पता नहीं सी, सानू दस्या गया सी कि काउंसलर ने, लेकिन बाद च पता चलिया कि मार्केट कमेटी दे मैंबर ने, उहदे वास्ते असीं माजरत खाया। बाकी तुहानू इहनां दी जे गलबात चंगी लगी ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ ताकि आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बासानी पहुँच सके। शफीक शुजात नूं इजाज़त दिओ, मिलने आ किसी होर नाल, अल्लाह दे सपोर्ट, अल्लाह दे हवाले।